नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आज प्रधानों ने बैठक किया है और चूंकि यहां की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है, पिछले महीने में 18 जनवरी को हम लोगों ने यहां के एडीओ पंचायत जगवंत कुशवाहा को लेकर के बैठक किया था और प्रधानों ने एक स्वर से निर्णय लिया था कि जगवंत कुशवाहा का स्थानांतरण कराया जाए, जिसके क्रम में हम लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी से 20 जनवरी को मिला था और मिलकर के सारी परेशानियों को उनसे अवगत कराया। उन्होंने कहा था कि 4 दिन का समय दीजिए, हम उनका स्थानांतरण कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के खंड विकास अधिकारी स्वतः एक एडीओ पंचायत को लेकर जाते हैं और ये कहते हैं काम में हीरो है, व्यवहार में जीरो है। तो ये निश्चित तौर पर लगता है कि एडीओ पंचायत को बचाने के लिए यहाँ के खंड विकास अधिकारी से लेकर के अन्य लोग भी उसमें सहमत है। हम लोग प्रधान, अब वो स्थिति ये आ चुकी है कि विकास के नाम पर इनको कमीशन दिया जाए, जांच मेरी होगी। ये 20 साल का रिकॉर्ड खोज रहे हैं, इनका रिकॉर्ड खोजा जाए तो पता चल जाएगी कि इनकी क्या हैसियत रही है। तो मैं पूरे प्रधान पुनः एक फैसला लिए हैं कि कल 3 फरवरी को मुख्य विकास अधिकारी से हम लोग उनको अवगत कराएंगे कि अगर एडीओ पंचायत का तत्काल स्थानांतरण नहीं किया गया तो प्रधान, ब्रह्मपुर ब्लॉक के प्रधान एकजुट होकर के 10 फरवरी को इसी ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग भी एक मुहिम छेड़ देंगे कि हम काम भी नहीं करेंगे। और जो ये लोग मोनोपोली इख्तियार किए हैं, जहां की सरकार की योजनाओं का ये पलीता लगा रहे हैं, सरकार जो भी चाह रही है, प्रधान आज बेवश हो चुका है। कर्मचारी ये हैं, अधिकारी ये हैं, ये कहते हैं कि हमको पहले 5% कमीशन दीजिए, 10% कमीशन दीजिए, लेकिन जांच तो उस कमीशन का भी होगा। हम काम करना चाहते हैं, ये लोग काम में रोड़ा डालना चाहते हैं। पूरे प्रधान आज एक स्वर से इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार। जी, आपका नाम? मुन्नीलाल यादव, यहाँ के प्रधान संघ के अध्यक्ष है, ब्रह्मपुर ब्लॉक के और खैरखूंटा के प्रधान है। बैठक के दौरान एक मामला प्रकाश में आया जहाँ पे एक प्रधान द्वारा फाइल फाड़ने का मामला है, उस पे क्या आप कहेंगे? प्रधान ने फाइल नहीं फाड़ा और वो सचिव ने मनमाने ढंग से वो फाइल फाड़ दिया था। वो भी अब तो ये सुनने में आया है कि यहाँ के खंड विकास अधिकारी से लेकर एडीओ पंचायतें कहते हैं कि प्रधान ब्लॉक में न आने पावे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर ये स्थिति बनी रही तो हम लोग अब तो ऐलान कर दिए हैं 10 फरवरी को धरना प्रदर्शन के लिए, हम लोग स्वतः ताला भी जड़ने का काम करेंगे और इनको बेदखल करेंगे। हम बताएंगे आप जनता के सेवक हैं, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और आपको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।